चलिए बताइए, सी एच एफ डबल बॉन्ड एच एच सी सी एल एच डबल बॉन्ड एच एच सी एच एच डबल बॉन्ड सी एच एच, ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, ये वाला गामा, कौन सा एंगल सबसे बड़ा होएगा? सर अल्फा। अल्फा, ठीक है। और ऑर्डर क्या आएगा? सर अल्फा फॉलोड बाय बीटा फॉलोड बाय गामा। बिल्कुल, अल्फा फॉलोड बाय बीटा फॉलोड बाय गामा, परफेक्ट। मैंने आपको N2O3 और N2O4 करवा दिया था ना कल एग्जाम्पल में। हाँ सर। सर एक में वो लोन पर था और दूसरा बिना लोन पर। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो चलिए यहां पर, और समझिए, ये वाला बॉन्ड है यहाँ पे, इसका कार्बन को अपना एच करेक्टर इस वाले बॉन्ड में कम करना होगा, तो इस वाले बॉन्ड में बढ़ाना होगा, इस वाले बॉन्ड में बढ़ाना होगा, इस वाले बॉन्ड में बढ़ाएगा। तो इन दोनों में वो अपना एस करेक्टर कम करेगा, तो बताओ क्या। क्या होएगा? सब पहले सी में कम होगा तो दूसरे सी में बढ़ेगा। सर बोलो। सर सबसे छोटा बॉन्ड एफ और एच का होगा ना। एफ एच का होगा, वो एक अलग बात है। मैं ये भी ये पूछ रहा हूँ कि इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, मेरे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। सर आपने कल जो एग्जांपल दिया था नाइट्रोजन वाला, उसमें आपने पहले जो बॉन्ड था उसमें आपने जो पहले इसमें बढ़ रहा है तो दूसरे इसमें सर आपने कम किया था एस करेक्टर। चलो भाई, वैसे ऑर्डर सही है, अल्फा इज मोर देन बीटा इज मोर देन गामा, ऐसा ही है, समझो। यदि यहाँ एस करेक्टर कम हो रहा है, यहाँ एस करेक्टर बढ़ेगा, यहाँ एस करेक्टर बढ़ेगा। यदि यहाँ पे ये वाला कार्बन एस करेक्टर बढ़ाएगा, तो ये वाला कार्बन इस वाले बॉन्ड में एस करेक्टर कम करेगा, तो इन दोनों में एस करेक्टर बढ़ेगा। यदि एस करेक्टर बढ़ेगा तो यहाँ पर जो एंगल है वो बढ़ेगा, मतलब अल्फा बढ़ेगा क्योंकि एस कैरेक्टर बढ़ा है। यहाँ पे इंक्रीमेंट कम आएगा और यहाँ पे इंक्रीमेंट बिल्कुल नहीं आएगा, इसीलिए अल्फा बड़ा होगा बीटा से, बीटा बड़ा होगा गामा से। क्लियर है? यस। चलो, अब एस कैरेक्टर के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, मतलब ये होता है कॉस थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन एस माइनस वन, और ये है परसेंटेज एस करेक्टर। जैसे आपको समझाते हैं भाई, कॉस 120 कितना होता है, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं 120 डिग्री का। बताइए 120 डिग्री पे कॉस 120 कितना होता है? -1/2।
माइनस हाफ इक्वल्स टू एस अपॉन एस माइनस वन. ठीक है तो ये हो जाएगा माइनस हाफ इक्वल्स टू, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस एस माइनस वन इक्वल्स टू टू एस. तो एस इक्वल्स टू वन बाई थ्री हो गया 33%. समझ में आया? हाँ सर. तो ये उसके लिए भी एप्लीकेबल होता, मतलब ये वाला फॉर्मूला है जो बेंड्स रूल का है और जो ये बताता है कि किसी भी बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होएगा. बस ये है कि ये वैलिड है मोर देन 90 डिग्री, मोर देन इक्वल टू 90 डिग्री के ऊपर. यदि इफ बॉन्ड एंगल इज 90, इफ बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे कॉस 90 कितना होता है? जीरो. परसेंटेज एस जीरो, तो परसेंटेज एस जीरो हो जाएगा. मतलब यदि 90 डिग्री है तो एस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आता. चलिए ये बात समझ भी सकते हैं कैसे एप्लीकेबल है, ये जरा समझिए. भाई आपने कहा कि sp3 है, कोई एक एटम है x, या छोड़ो इसको, जब आएगा तब का तब देख लेंगे, आएगा ड्रैगोरु. आप किसी भी बॉन्ड के लिए, किसी भी बॉन्ड एंगल के लिए बता सकते हैं. मतलब आपको मालूम है कि जैसे ऐसे एंगल डिक्रीज करता है वैसे वैसे परसेंटेज एस भी डिक्रीज करता है. ठीक है, एन एच फोर प्लस बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स का है, तो यहां पे परसेंटेज एस 25% है. और यदि हमने बोला अमोनिया है तो ये वाला बॉन्ड एंगल कितना है, 160 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा कॉस 107 डिग्री इक्वल्स टू एस अपॉन एस माइनस वन. कॉस 107 कितना होता है बताओ सब? आप मत बताओ, मैं बताता हूं. ये होता है 0.292, मतलब ये होता है 0.29 इक्वल्स टू एस अपॉन 4/3. इसको 4/3 लिख सकते हैं क्या? नहीं सर, वो एस बाय एस माइनस वन, ये 4/3 है. क्यों नहीं सर, छोड़ो छोड़ देते हैं, तू सुखी रहेगा यदि मैं छोड़ देता हूं. तो ये हो जाएगा माइनस 0.29 इंटू एस माइनस वन इक्वल्स टू एस, ये हो जाएगा 0.29s, मतलब ये हो जाएगा 0.29 डिवाइड बाय 1.29 इक्वल्स टू एस. 0.29 डिवाइड बाय 1.29, नियरली एस परसेंटेज इज नियरली 22.5%, जो होना भी चाहिए. भाई हम यही तो बोल रहे हैं कि यदि यहाँ पे लोन पेयर है तो लोन पेयर के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इन तीनों में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा. तो पहले वो 25% था, अब वो घट के कितना हो गया है, 22.5% हो गया है. ये होता है बेंड्स रूल का फॉर्मूला, यदि आपको कहीं लगाना पड़े तो. आप कोई और एंगल ले लो जो आपको पसंद हो, जिसकी वैल्यूज आपको याद हो, बताओ. कॉस 135 कितना होता है? -1/√3. यदि कोई एक स्पीशीज है ए एक्स एक्स और ये है 135 डिग्री का एंगल, तो आपको मालूम है कि कॉस 135 इक्वल्स टू एस अपॉन 1 माइनस एस, तो 1/√2 1.414 -0.7. ये -0.7 इक्वल्स टू एस अपॉन 1 माइनस एस, तो एस इक्वल्स टू 1/(1/7). नहीं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.7 डिवाइड बाय 1.7, 0. मतलब ये आ जाएगा एस परसेंटेज आ जाएगा 41%.
ठीक है, तो ये आप डायनेमिक एस जो कह रहे हैं ना, हम लोग हर बॉन्ड के ऊपर एस परसेंटेज चेंज हो रहा है, वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली। अभी तक अपने को ऐसे क्वेश्चन जेई में फंसते नहीं है, पर यदि डेटा देके पूछे तो पूछ ही सकता है, सरकार ने बैन तो लगाया नहीं है, वैसा है। समझ में आ गया? अभी एक कुछ बच्चे कह रहे हैं उनको क्लियर दिख नहीं रहा है, क्या कितने लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है सर? क्लियर है सर, क्लियर है, मतलब कुछ ही बच्चों को ब्लर है ना? नहीं सर, बहुत ब्लर है मेरे लिए। सर आप क्लियर है? यार वो क्षितिज होगा, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है ना, बीच बीच में ब्लर होगा वो, मेरा वो उसका है, क्या नाम है उस भाई का, टीम्स, हाँ ये टीम्स का प्रॉब्लम है जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं, मेरे पास के किसी के पास कोई इलाज नहीं। यदि रेजोल्यूशन ड्रॉप हुआ है तो प्रॉब्लम है नेट का, और यदि फोकस चेंज हुआ है तो प्रॉब्लम है टीम्स का। हाँ टीम्स कहाँ गया भाई? फोटो भेजा ना, कॉपी करिए प्लीज। सर बोल भाई। सर वो परसेंट एस कैरेक्टर इक्वल टू क्या है सर, वो एग्जांपल में NH4 के, NH4 में 25%। सर आई हैव नोटिस्ड इफ यू मोमेंटरली कीप योर हैंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ द कैमरा, ओके नाउ दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ द कैमरा, ओके सर बोल भाई। सर वो एस माइनस वन है ना, एस बाय एस माइनस वन। हाँ ठीक है सर। सर आपने कॉस 135 को तो एस बाय वन माइनस एस लिखा है राइट? नहीं नहीं एस माइनस वन है वो, ओके। ये खुफी ऐसी चीज बताई है हमको ऋषिकेश ने, जिसका ये कहना है ओके।
ये हीरा हमको पहले क्यों नहीं मिला था? सर बोल भाई। सर 90 के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? जीरो। सर हाइब्रिडाइजेशन जीरो नहीं होता। ओके सर। सर बस कुछ कुछ बॉन्ड अगर 90 होता है ना? हाँ होते हैं, पर उसके अंदर अपन ये बेंड्स रूल नहीं लगा सकते। ठीक है सर। सर बोल भाई। सर और NH4 में वो प्लस है ना? प्लस है क्या साइन? हाँ सेंटर सेंटर में प्लस होता है ना। ठीक है। सर बोल भाई। सर इसका फॉर्मूला एस अपॉन एस माइनस वन है या एस अपॉन वन माइनस एस? एस अपॉन एस माइनस वन है और गलती से वन माइनस एस लिख दिया भाई। ओके सर। सर माइनस साइन अगर अपन ने निकाल दिया तो वन माइनस एस होगा। हो गया सर लिख के। आगे बढ़े फिर। यस सर। चलिए अब अगला बॉन्ड पैरामीटर है बॉन्ड एनर्जी। चलिए अगला बॉन्ड पैरामीटर है बॉन्ड एनर्जी। ये क्या होता है? इट इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड
देखिए इट इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, या फिर इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ बॉन्ड, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट अ बॉन्ड. यदि हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये नेगेटिव आएगी, और यदि डिसोसिएशन की बात करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगी. अब फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं समझिए. बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जितना सॉरी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जितना बड़ा क्वांटम नंबर होगा उतनी ही कम ओवरलैपिंग होगी, इतनी कम ओवरलैपिंग होगी उतना ही कमजोर बॉन्ड बनेगा. जैसे हमने पढ़ा HF, HCl, HBr और HI, 1s, 2p, 1s, 5p, ये वीकेस्ट होता है. इसीलिए जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो भी इसी ऑर्डर में है. भाई थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हमने हीट दिया और हीट के बाद स्टेबल है, टूट नहीं रहा है. तो यदि आप एच आई लेंगे और एच आई को आप हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट के लिए हम ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं, तो ये बहुत आराम से एच टू और आई टू में डिसोसिएट कर जाएगा. जबकि एच एफ को यदि कराएंगे तो ये वाला इवेंट एच टू प्लस एफ टू में हीट करके इट इज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, सबसे पहला फैक्टर होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम देन बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. मतलब यदि हमने लिया CH4, NH3 और H2O और HF, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है. ठीक है, इसके बाद बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स, बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर. ठीक है, मतलब यदि आपने कहा सी सिंगल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तो इस वाले की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी. मैं यहाँ पे पाई सिग्मा बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ. नेक्स्ट बॉन्ड मतलब इसी में और एग्जांपल देखने हो तो ओ ओ ओ डबल बॉन्ड ओ, आपको देखने हो तो एन एन, एन डबल बॉन्ड एन और एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये होते हैं बॉन्ड एनर्जी डेटा. आगे बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर. जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, होना भी चाहिए क्योंकि उतनी ही ज्यादा अट्रैक्शन हो रही होगी. ठीक है, मतलब यदि आप लिखना चाहो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच ये वाला बॉन्ड ए, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एच ये वाला बॉन्ड बी, सी एच थ्री एच ये वाला बॉन्ड सी, तो जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा वो होगा ए मोर देन बी मोर देन सी. प्लीज कॉपी करिए. सर बोल भाई. एन सिंगल बॉन्ड एन अनस्टेबल होगा क्या? नहीं,
तो मैंने अनस्टेबिलिटी को बड़ा ही गंदे उसमें सोचते हो, इसलिए वो स्टेबल होगा पर वो कमजोर होगा. कमजोर एंड स्टेबिलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स. जैसा देवांग कॉपी कर फिर बताता हूँ, टेंशन नहीं ले. सर हम प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट नंबर को एन लिख सकते हैं. सर बोल भाई. सर बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से सीजियम और फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग होगा क्या? भाई साहब बॉन्ड एनर्जी वहां पे डिस्कस ही नहीं किया थी. बॉन्ड एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी ओनली स्टडीड फॉर कोवलेंट बॉन्ड्स. ओके सर. सर बोलो. सर वो सी और एच के बीच में बॉन्ड है उसका नाम क्या है? सी और एच के बीच में बॉन्ड बेटा ए बी सी है, तो पहले वाले में ए, दूसरे वाले में बी है, तीसरे वाले में सी है. ओके सर. सर बोलो. सर कोवेलेंट बॉन्ड में मतलब एक डेल्टा आयन बहुत ज्यादा और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बड़ा है, तो फिर कौन सा ज्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे? अरे अभी तक अपन ने किसको भाव दिया है? सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. बिल्कुल ठीक है सर.
कॉपी हो गया? हाँ सर। यस सर। बहुत ही बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी के लिए अपन ने ये सब कुछ देख लिया है, और फैक्टर्स देखते हैं बॉन्ड एनर्जी के लिए। बॉन्ड एनर्जी देखिए, हो गए म्यूट सब अपने आप ही। अब बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर्स इफ एवरीथिंग एल्स इज सेम। इफ एवरीथिंग एल्स इज सेम, समझिएगा, ये है ये है। अब इसी चीज को अपन बेंड्स रूल से भी कर सकते थे कि परसेंटेज एस करेक्टर इन वाले बॉन्ड्स में कम है तो ये वाले बॉन्ड, मतलब ये ए है, ये वाले बॉन्ड बी है, तो ए आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स देन बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन, यहाँ पे एस करेक्टर 33 33 33, यहाँ पे इन दोनों में एस करेक्टर कम होगा, इसमें एस करेक्टर ज्यादा होगा। या ये है एन एच टू माइनस और ये है अमोनिया, ये वाला बॉन्ड है ए, ये वाला बॉन्ड है बी, तो जो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा वो ए मोर देन बी होगा, सॉरी बी मोर देन ए होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, आपके पास है सी एच 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 माइनस सी एच 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 एच, ये वाला बॉन्ड है ए, ये वाला बॉन्ड है बी, तो ए की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी बी से, ठीक है। आगे इसके बाद देखिए, जनरली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कोई मुकाबला नहीं हो पाता है, मतलब जनरली हमको ये लिखना पड़ता है कि जनरली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज प्राइमरी फैक्टर, पर कभी कभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी समस्याएं हो जाती हैं। जैसे यदि मैं लिखूं F2, Cl2, Br2 और I2, यदि मैं बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर लिखूं तो मैं ये वाला ऑर्डर एक्सपेक्ट करूंगा, ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर होगा, पर ये ऑर्डर हमको ऐसा मिलता नहीं है। जो हमको ऑर्डर ऑब्जर्व होता है वो होता है Cl2, Br2, F2 और I2। मतलब Br2 और F2 में बहुत अंतर नहीं है, पर ऑर्डर ये आता है।
बॉन्ड एनर्जी ऑफ एफ टू इज एक्सेप्शनली लो. बॉन्ड एनर्जी ऑफ एफ टू इज एक्सेप्शनली लो. एंड वाई इट इज एक्सेप्शनली लो? बिकॉज ऑफ लोन पेयर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी ऑन बोथ एटम्स विच रिपेल बोथ एफ एटम्स. मतलब एफ और एफ है, ध्यान देना, एफ और एफ है, तो यहां पर इनमें क्या होगा, ये दोनों, इनके पास लोन पेयर की भरमार है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. रिपेल करने के कारण ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी. तो ये एक एक्सेप्शन की तरह होता है जहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हार जाता है. इसको याद रखना है, लर्न इट फॉर ए बेटर फ्यूचर, वैसा टाइप्स का स्टेटमेंट होता है. पेपर अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी था आने की. अब ना एक बार थोड़ी सी और बात करते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की और बात करते हैं, वो अभी अपन ने बात नहीं की है. सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड. ये जनरली है, मतलब नॉट ऑलवेज, जनरली ओवरलैपिंग एक्सटेंट ज्यादा होता है सिग्मा बॉन्ड में. ओवरलैपिंग एक्सटेंट इज हायर इन सिग्मा बॉन्ड. आगे, यदि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में, जी बहुत सारे सिग्मा बॉन्ड में कंपेयर करना हो, तो वही सिग्मा बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी एक ही बात होगी, इज डायरेक्टली इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. आगे, इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज सेम, देन बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग. और ओवरलैपिंग में डीडी ओवरलैपिंग इज मोर देन पीपी ओवरलैपिंग इज मोर देन पीएस ओवरलैपिंग इज मोर देन एसएस ओवरलैपिंग. भाई समझिए, आपके पास ये दो एटम्स हैं, आपने कहा ये एस है, तो ओवरलैपिंग एक्सटेंट इतना सही है. यदि आप पी लिखते सेम इसके ऊपर, तो पी से बड़ा होता, तो सेम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस के ऊपर आपके पास ओवरलैपिंग बढ़ जाती. ओवरलैपिंग बढ़ाती तो बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाती. ठीक है, बॉन्ड एनर्जी खत्म, कॉपी कर लीजिए, इसके बाद पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट. प्लीज कॉपी करिए. सर डीपी का क्या होगा? डीपी मतलब डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक का ओवर. हाँ, डी और पी बीच में आ जाएगा, पीपी के बीच में आ जाएगा. ओके सर.
सर बोल भाई। सर कार्बन का एग्जांपल एक्सप्लेन करना है भाई। कार्बन है यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, नेगेटिव का मतलब लोन पेयर है, तो इन वालों में एस कैरेक्टर कम होएगा, इन वालों में कोई कोई लोन पेयर नहीं है, तो जो एस कैरेक्टर 25% होगा। सर नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना? नहीं पूरा पेयर हो जाता ना अपने आप ही। अच्छा ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर डेंसिटी क्लाउड्स का है क्या? हाँ वेदिका क्या हुआ? सर बोल भाई। सर बॉन्ड एनर्जी का आपने एफ के लिए लिखा है ना, वो बस एफ टू के लिए या कोई भी एफ के कंपाउंड में? नहीं केवल एफ टू के लिए। ठीक है सर थैंक यू। सर वो लास्ट कॉलम में फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? लास्ट कॉलम में फर्स्ट लाइन ओवरलैपिंग एक्सटेंट इज हायर इन सिग्मा बॉन्ड। ओके सर। आर्यन यार तेरी बात सही है, सरकार परमिशन दे दे तो जिस दिन परमिशन देगी उस दिन खोल देंगे यार, बट विदाउट गवर्नमेंट परमिशन खोल पाना इज पॉसिबल नहीं है यार। सर गवर्नमेंट परमिशन देने से पहले अपन पूछ लेते ना उनको कब देंगे। यार पूछते रहते हैं उनको भाई, कई बार पूछते हैं बट इवेंचुअली कुछ हासिल नहीं होता। मतलब पिछली बार हम लोग पूछते ही रहे, मीटिंग ही लेते रहे और कुछ नहीं होता।
चलिए सबका कॉपी हो गया क्या? सबका कॉपी हो गया क्या? नहीं सर, दो मिनट सर। नहीं देवांग, सीएल के अंदर इतना डिस्टेंस है पहले से कि वो रिपेल नहीं करें। सर बोलो। सर वो एकदम लास्ट में क्या लिखा है सर? इंक्रीजेस क्या लिखा है सर? वो कहाँ पे भाई? सर वो बोर्ड के थर्ड पार्ट में एकदम लास्ट, वो आपने जो डायग्राम बनाई है उसके नीचे ओवरलैपिंग इंक्रीजेस। ओके, डबल अपसाइड एरो। चलिए अगला टॉपिक है डाइपोल मोमेंट, जो अपन पढ़ेंगे कल। टाइम हो गया होगा ना अभी तक? हाँ सर, कल से पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट। अब ये चैप्टर तेज भागेगा अपने आप। सर हाँ सर, डीपी ओवरलैपिंग डीडी और पीपी के बीच में आएगा ना? हाँ डीपी इनके बीच में आएगा। चलिए आप लोग जा सकते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। बाकी का कल पढ़ेंगे। क्या नाम है उस चैप्टर का? डाइपोल।